हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप इस तरीके का स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का स्टेटस वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, और वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन में क्राइम मास्टर को ओपन कर लीजिए और क्रिएट नाउ पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ से 1.1 का रेशियो सेलेक्ट करके और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से अपने फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है दोस्तों। जितने भी फ़ोटोज़ को आप ऐड करना चाहते हैं, उतने फ़ोटोज़ को आप यहाँ से ऐड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 4 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप जितने भी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप उतने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सिंपली क्या करना है, आपको फ़ोटोज़ पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर कैंची के बगल में जो आइकन दिख रहा है वो आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से बीच वाले सेंटर को मिला देना है और दोस्तों इसको जूम कर लेना है, और नेक्स्ट पर नेक्स्ट फ़ोटो को भी जूम कर लेना है। आप पूरी फ़ोटोज़ को एक एक करके जूम कर लीजिए दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों, मैंने सभी फ़ोटोज़ को जूम कर लिया है दोस्तों। अब हमें इसमें ग्राफिक्स ऐड करना है दोस्तों। सिंपली फ़ोटोज़ पर ऐड क्लिक करना है और यहाँ पर ग्राफिक्स पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर ग्राफिक्स को डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। अगर आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर डिब्बे वाले आइकन पर क्लिक करना है इधर। और दोस्तों, यहाँ आपके सामने इससे इंटरफेस ओपन होने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, मॉडल सिंपल पर आपको क्लिक कर देना है। और दोस्तों, नीचे को देख लेना है दोस्तों, आप नीचे चले जाएगी और आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, तो इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर ऐड कर लेना है। सिंपली मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है ग्राफिक्स को। सभी फ़ोटोज़ पर ग्राफिक्स लगा देना है दोस्तों, ठीक है। सभी फ़ोटोज़ पर ग्राफिक्स लगा दीजिए एक एक करके। दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ पर सभी फ़ोटोज़ पर ग्राफ लगा दिए हैं, आप भी लगा दीजिएगा दोस्तों। सिंपली आपको अब हमको क्या करना है, आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, ट्रांजिशन को ऐड करना है दोस्तों। ट्रांजिशन को ऐड करना है तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन ये डाउनलोड कर रखा है दोस्तों। आपको भी यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से डिब्बे वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आपको यहाँ पर क्रॉस सिंपलिस्ट पर क्लिक कर देना है, और आपको नीचे चले जाना है और आपको इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, मैंने सिंपली यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रखा है दोस्तों, तो आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पर, इस तरीके से आपको भी ऐड कर देना है। एक एक करके सभी प्लस के आइकन पर क्लिक करते जाना है और उसको यहाँ पर ऐड करते जाना है, ठीक है। और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर भी ऐड कर देना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब हमारा इतना काम हो चुका है दोस्तों। तो अगर आप अपनी फ़ोटो की ड्यूरेशन को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप कम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आप कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो फोटोज वीडियो है, हमारा वीडियो इस तरीके का दिखने लगा है दोस्तों। तो सिंपली आपको हमको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, कर देना है तीर के आइकन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है, और ये हमारा यहाँ पर सेव हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, सेव हो जाने के बाद दोस्तों अब इनको हटा देंगे दोस्तों। जो हमारा वीडियो सेव हो चुका है, हम उसको लेंगे दोस्तों, इनको हटा दीजिए क्लिक करके दोस्तों। सिंपली हमको क्या करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को हम दोस्तों ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपली हमको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से एक फ़ोटोज़ ले लेनी है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। इसका अब वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा, इसकी ड्यूरेशन को बैकग्राउंड बराबर कर लीजिए, उसको फर्स्ट पोजीशन पे आना है, उसे इसी पर क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको फुल कर लेना है, ठीक है। तो इसको फुल कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है,
और यहाँ से जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको ले लेना है, ठीक है। तो इसको हम छोटा साइज करेंगे इसका, और थ्री डॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, ये हमारा चला जाएगा। और इसके यहाँ पर अच्छी तरीके से बिठा लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अच्छी तरीके से बिठा लेना है, देख लीजिए आप अपने हिसाब से बिठा लीजिए यहाँ पर। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से दिखने लगा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से वीडियो को बैठा लेना है दोस्तों, फर्स्ट पोजिशन पे आना है, फर्स्ट पर आना है और दोस्तों लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से दोस्तों इस वीडियो का लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अब इसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ से फुल स्क्रीन पूरा फुल कर दीजिए और राइट कर दीजिए, और इसलिए क्लिक कर देना है। नीचे जाना है, ब्रांडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्रांडिंग ऑप्शन क्लिक कर देना है, यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन कर देना है, राइट कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से एक फ़ोटो लेना है, इस फोटो और यहाँ पे इसको रख देना है, ठीक है। तो इसको हम रोटेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये से रख देना है, इसकी डिजिशन को खींचना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इतना करने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से लगने लगा है दोस्तों। अब हमको क्या करना है कि लेडीज को लेना है, तो लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और यहाँ से लिरिक्स ले लेना है। और दोस्तों मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, इसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से फुल स्क्रीन कर देना है और इसी पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से नीचे जाना है, नीचे जाना है, यहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, स्क्रीन कर देना है, ठीक है, और राइट कर देना है। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं इसकी आवाज़ को कम कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए हमारा वीडियो बनके कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है दोस्तों। तो मैंने जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया है दोस्तों, मैंने सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपका स्टेज बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों एक काम रह चुका है हमारा, जो कि वीडियो के बराबर कर लेना है सभी को, सभी की लेंथ को वीडियो के बराबर कर लेना है। तो कैंची चार पैन में क्लिक करा तो यहाँ से ये है, ठीक है, बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जो बीच में कैंची की आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करते जाना है और यहाँ से आपका वीडियो कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बन के रेडी हो चुका है दोस्तों स्टेटस वीडियो, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देख लीजिए। दोस्तों हमारा स्टेटस वीडियो बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अब हम क्या करना है, इसको सेव कर लेना है गैलरी में, यहाँ पर प्रेस तीर के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको वीडियो को सेव कर लेना है दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए।